नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए विशेष खबर। क्या है वो खबर आपको हम पूरी विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें। क्या है खबर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज शिक्षक पर्व में संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है संविदा शिक्षकों के लिए। मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शिक्षकों को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी की कक्षाएं जल्द शुरू होंगी। शिक्षा मित्रों का नाम शिक्षक मित्रों को लेकर दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है और हमारी मांग जल्द पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन करते हुए कहा कि प्री प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष करके शिक्षा मित्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। साथियों, ये शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। आइए सुनते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तरह निपुण भारत अभियान में 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया गया। 3 साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्यतः प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की, विशेष करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमिका। साथियों, इसी के साथ उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई खत्म। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। आज उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे और शिक्षा सुधार के लिए भी कई प्रस्तावों पर मोहर लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर है, आज की खबर है, सोशल मीडिया पर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अन्वेषक सहित सभी संविदा कर्मियों को सरकार द्वारा 18 सितम्बर को होने वाली मीटिंग में बुलाया गया है। साथियों, ग्राम रोजगार सेवक संघ, शिक्षा मित्र, होमगार्ड, पीआरडी जवान, आंगनवाड़ी रसोईया प्रेरक अनुदेशक, आशा बहु, पैरा टीचर, बिजली विभाग के संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को, समस्त संगठनों को बुलाया गया है इस मीटिंग में। और क्या घोषणा होगी इस मीटिंग में, ये जल्द समय बताएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के समस्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी के मुख्य सदस्यों व अपने ज्ञापन अब्लिक मांग पत्र के साथ आगामी 18 सितंबर 2021 को सुबह 11 बजे लखनऊ में मेरे आवास पर होने वाली मीटिंग में सादर आमंत्रित हैं। ये सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है समस्त प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए। साथियों, यूपी के भी मानदेय कर्मियों को मिले 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये न्यूज़ वायरल हो रही है। प्रदेश में कार्यरत लगभग 10 लाख मानदेय कर्मियों, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, रसोईया, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये मानदेय के रूप में देने की मांग आज वर्कर्स फ्रंट ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उठाई है और अपना निवेदन ज्ञापन उनको भेजा है कि हमको हमारा उचित मानदेय, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। साथियों, आगे है वर्कर फ्रेंड्स के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर द्वारा भेजे गए पत्र में सीएम को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को याद दिलाते हुए कहा गया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि आंगनवाड़ी, आशा जैसे मानदेय कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन 4.5 साल के बीच जाने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजदूरों से भी कम भुगतान किया जा रहा है इस समय संविदा कर्मियों का। अनुपूरक बजट में प्रदेश में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि घोषणा की थी। इस आशय का समाचार अखबारों में प्रमुखता से
प्रकाशित हुआ अनुपूरक बजट में भी मानदेय वृद्धि के नाम पर जो धनराशि आवंटित की गई है वो क्या धनराशि है, कितनी है, ये अभी बताना बहुत मुश्किल है। सरकार इसकी घोषणा कब करेगी ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारी सबकी मांग है कि सम्मानजनक मानदेय हमको दिया जाए, जो कि इस समय एक मजदूर से भी कम संविदा कर्मियों को मानदेय दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्म की बात है। साथियों, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे हम शिक्षा मित्र हों, चाहे निदेशक हों, चाहे बिजली विभाग के संविदा कर्मी हों, आशा बहन हों, कोई भी हो, अपना 100% दे रहे हैं। साथियों, यूपी बेसिक स्कूल न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के लिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।